बहुत से मर्दों की इज्दिवाजी जिंदगी इसलिए मुश्किलात का शिकार होती है कि वो मर्दाना कमजोरी का शिकार होते हैं। मर्दाना कमजोरी इन दिनों एक आम तिब्बी मसला है जो बहुत से मर्दों को शिकार बना रहा है। एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक 31% मर्द जिंसी मसाइल का शिकार होते हैं। इन मसाइल की सबसे बड़ी वजह मोटापे और वर्जिश की आदत ना अपनाना है। मर्दाना कमजोरी कोई खतरनाक तिब्बी मसला नहीं है कि जिसकी वजह से परेशान हुआ जाए। आमतौर पर तर्ज जिंदगी में चंद मनफी आदात की वजह से मर्दाना कमजोरी के खतरात बढ़ जाते हैं, जबकि कुछ मर्दों को ये कमजोरी लाहिक हो जाती है। मर्दाना कमजोरी के इलाज के लिए मुख्तलिफ तरीके अपनाए जाते हैं जो कि मुफीद साबित हो सकते हैं। मर्दाना ताकत बढ़ाने के तरीके। मुंदरजा जैल मुअस्सर तरीकों की मदद से मर्दाना ताकत बढ़ाई जा सकती है। काफी का इस्तेमाल। काफी के इस्तेमाल को भी मर्दाना ताकत का इलाज समझा जाता है और उसके इस्तेमाल की मदद से आसानी के साथ मर्दाना ताकत बढ़ाई जा सकती है। 2015 में शाये होने वाली एक तिब्बी तहकीक के मुताबिक ऐसे लोगों में मर्दाना कमजोरी के खतरात नहायत कम थे जो दिन में 2 से 3 कप काफी इस्तेमाल करते थे। ताहम ज़ियाबीतस का शिकार अफराद में काफी के इस्तेमाल से मर्दाना ताकत के इस्तेमाल में इजाफा नहीं होगा, लेकिन ज़ियाबीतस के शिकार अफराद काफी से दीगर फवाइद हासिल कर सकते हैं। इस मशरूब की मदद से मर्दाना ताकत बढ़ाई जा सकती है, ताहम इसका यह मतलब हरगिज नहीं है कि मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए काफी को ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करना शुरू कर दिया जाए। इसको ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से सेहत पर मनफी असरात भी जाहिर हो सकते हैं, इसलिए इसको ज्यादा मिकदार में इस्तेमाल करने से गुरेज करना चाहिए। मर्दाना ताकत के इलाज के लिए काफी को दिन के मुख्तलिफ औकात में इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके इस्तेमाल का सबसे बेहतरीन इस्तेमाल सुबह का वक्त है। ताहम इसमें शुगर या मस्नूई मिठास शामिल करने से गुरेज करें, क्योंकि काफी में ऐसी चीजें शामिल करने से इसकी इफादियत में कमी वाकई हो सकती है। ज़हनी दबाव और इज़्तिराब से निजात। ज़हनी दबाव और इज़्तिराब मर्दाना कमजोरी की बड़ी वजूहात में शामिल है। खास तौर पर मर्दों को उन ज़हनी मसाइल की वजह से मर्दाना कमजोरी का सामना करना पड़ता है। इज़्तिराब जैसे ज़हनी मसाइल का शिकार अफराद की इज़्ज़ाजी जिंदगी मुश्किलात का शिकार हो जाती है, क्योंकि ऐसे अफराद जिंसी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। अगर आपको ज़हनी मसाइल और मर्दाना ताकत में कमी का एक साथ सामना है तो समझ जाएं कि मर्दाना ताकत में कमी की बड़ी वजह ये मसाइल है। डॉक्टर ज़िया अल्दीन हस्पताल क्लिफ्टन कराची से ताल्लुक रखने वाले तिब्बी माहिरीन के मुताबिक मर्दाना ताकत में इजाफे के लिए पहले ज़हनी मसाइल से निजात हासिल करना नहायत जरूरी है। ज़हनी मसाइल से निजात हासिल करने के लिए कुछ मुस्बत आदात अपनाई जा सकती है। मिसाल के तौर पर अपने घर के अफराद या दोस्तों के साथ ज्यादा वक्त गुजारा जा सकता है, मुतवाजन ग़िज़ाएं इस्तेमाल की जा सकती हैं और वर्जिश की आदत पर बाकायदगी के साथ अमल किया जा सकता है। वर्जिश की आदत अपनाएं। जैसा कि ऊपर बयान हुआ कि मोटापे मर्दाना ताकत में कमी और मर्दाना कमजोरी की एक बड़ी वजह है। मोटापे की वजह से न सिर्फ मर्दाना ताकत में कमी वाकई होती है बल्कि मजमूई सेहत पर भी काफी ज्यादा मनफी असरात जाहिर होते हैं। जिंसी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए मोटापे से निजात हासिल करना नहायत जरूरी होता है। वर्जिश की आदत अपनाए बगैर मोटापे से निजात हासिल करना नामुमकिन होता है। याद रहे कि मोटापे एक बीमारी है जिससे छुटकारा पाना बहुत जरूरी होता है। तिब्बी माहिरीन के मुताबिक अगर हर रोज 30 मिनट के लिए सख्त वर्जिश की जाए तो मोटापे से निजात हासिल की जा सकती है। इसके अलावा वर्जिश की आदत अपना कर इस बीमारी के खतरात से भी बचा जा सकता है। वर्जिश की आदत अपनाने के साथ आपको इस बात का भी ख्याल रखना होगा कि इस आदत के दौरान आप गैर मुतवाजन ग़िज़ाएं इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये ग़िज़ाएं इस्तेमाल करने की वजह से आपके लिए वर्जिश की आदत मुअस्सर साबित नहीं होगी। वर्जिश की इफादियत में इजाफा करने और इसे बरकरार रखने के लिए मुतवाजन ग़िज़ाओं का इस्तेमाल नहायत जरूरी होता है। सिगरेट नोशी की आदत से निजात। सिगरेट और तंबाकू नोशी की वजह से हाई ब्लड प्रेशर जैसी बीमारियों के खतरात में इजाफा हो जाता है। इसके अलावा जिस्म में खून की गर्दिश भी मुतासिर हो सकती है, जिसकी वजह से आज़ाए मखसूसा में खून की रवानी मुतासिर होती है और जिंसी मसाइल के खतरात भी बढ़ जाते हैं।
बहुत सारे अफराद की इज़दिवाजी जिंदगी सिगरेट नोशी की आदत की वजह से मुश्किलात का शिकार हो जाती है। कुछ तिब्बी तहकीकात के मुताबिक सिगरेट नोशी की आदत तर्क करने को मर्दाना ताकत बढ़ाने का तरीका समझा जाता है। अगर आप भी सिगरेट नोशी के आदी हैं, तो जिंसी मसाइल से बचने के लिए इस आदत को फौरी तौर पर तर्क कर दें। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का इस्तेमाल। मुख्तलिफ तिब्बी मसाइल की वजह से जिस्म में खून की रवानी मुतासिर होती है, जिससे आज़ाए मखसूसा के मसाइल लाहिक हो सकते हैं। आज़ाए मखसूसा समेत पूरे जिस्म में खून की रवानी को बेहतर बनाने के लिए ओमेगा 3 फैटी एसिड्स को इस्तेमाल किया जा सकता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स का सबसे बेहतरीन जरिया सफ़ेद मछली, अलसी के बीज और फोर्टिफाइड अंडे शामिल हैं। मर्दाना ताकत बढ़ाने के मजीद तरीके जानने मर्दाना ताकत के इलाज के लिए माहिरीन अमराज से राबता किया जा सकता है। आसानी के साथ किसी भी माहिरन अमराज से राबता करने के लिए हेल्थ वायर का प्लेटफॉर्म इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि हेल्थ वायर ने राबतों को बहुत आसान बना दिया है।